सीआईडी क्राइम ना डीजीपी अनिल प्रथम साथे खास बातचीत थई। कैनेडा अमेरिका बॉर्डर पर गुजराती परिवार ना मौत ना मामले अपडेट मिली रहा है। ठंडी में ठूठवाई जवाना लीधे बाड़क सहित चार ना मौत थया हता। महत्वनुं छे के कैनेडा अमेरिका बॉर्डर पर गुजराती परिवार ना मौत ना मामले अपडेट मिली रहा है। सीआईडी क्राइम ना डीजीपी अनिल प्रथम साथे खास बातचीत थई छे। आओ सांभळीए शुं कह्युं तेमणे। अमेरिका जवानी लाइन की अंदर जे परिवार चार लोग जीव गुमा है तपास सीआईडी क्राइम ने सौंपा है। राज्य पुलिस वे जाहरात करी थी। अपने सीआईडी क्राइम डीजीपी है साथ बात करूँ। प्रथम सर जी रीते आ समग्र तपास सौंपा है शू घटना अत्य सुधी में बहार आई है आपनी पास जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है तपास में बे दिवस अंदर शू विगत मिली है अत्यारुधीनी जी विगत है यूं है कि आ फेमिली पोते यूएस जवा मांगती थी अने कैनेडा सुधी पहुँची गई थी। कैनेडा थी एना फाधर पासे फोन आया था अने एना पछी त्रण दिवस पछी आ लोको मिसिंग छे मलता नथी एवा मैसेज आ लोकोना फाधर पासे आया था। जी रीतनी बात आ रही है कि तेमणे त्यां चारे लोकोना जीव गया छे एमनी ओळख थई शकी छे खरी अथवा तो त्यां एजेंसी द्वारा कया प्रकारनी तपास थई छे एनी शुं विगतो बहार आवी छे? आज बधी तपास है। आज ज्यूरिस्डिक्शन पुलिस है। ज्यूरिस्डिक्शन पुलिस एटले ज्या आ केस थया छे कैनेडा में थया अथवा यूएसए में थया त्यानी पुलिस ज्यारे तपास करशे अने माहिती मांगशे अथवा माहिती अमे आपशे एना पछी अमे आ बाबत में तपास करी शकू छू अने काही कही शकू छू। सर तमे क्या एंगल पर अत्यारे तपास करी रह्या छो कारण के ह्यूमन ट्राफिकिंग नी वात जे यूनिट छे तमारुं तेने आ तपास सोंपवामां आवी छे आप क्या एंगल थी आनी अंदर तपास करी रह्या छो? अमे फकत जे डीजीपी ऑफिस थी माहिती मळी छे प्रेस कटिंग अमे हमारी पास मोकली छे तो अमे केम के अमारे पास ह्यूमन ट्रेफिकिंग डिपार्टमेंट छे तो कहीं आ ह्यूमन ट्रेफिकिंग ना मामला तो नथी। आ रीते अमे फेक्ट फाइंडिंग करीए छे અને માહિતી ભેગી કરીએ છીએ। સર કહેવાય છે કે એજન્ટોને પૈસા આપીને બહાર લઈ જવામાં આવે છે તો આની અંદર હ્યુમન ટ્રાફિકિંગનો કેસ કેવી રીતે થાય અથવા તો હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ કેવી રીતે ઇન્વોલ્વ છે? કારણ કે પરિવાર પોતાની ખુશીથી અથવા તો લોકો પોતે પૈસા આપીને જાય છે તો એ કેવી રીતે કનેક્ટ થશે? આ એમાં જ્યારે પોતે ખુશીથી જતા હોય તો એમાં કોઈ હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ થતી નથી પણ તેમ છતાં જે લોકો અહીંથી બહાર ગયા છે तो कहीं लोभ लालच तो नहीं आप कहीं बलजबरी थी तो नहीं ले गया। आ एंगल जारे जरूर पड़ से त्यारे तपास करवामां आवशे। फकत आज एंगल अमे जोवानुं होय छे। अत्यारे अमे एने रेस्क्यू अने एनी मदद माटे आ फेक्ट फाइंडिंग नी तपास करी रह्या छे। सर आ केसनी अंदर जे रीते तमाम लोको त्यां पहोंच्या केटला लोको हता? कारण के चार लोकोना मोतनी वात छे ए सिवाय बी सात लोको साथे हता तो आप ए केस ए तमामनी तपास करी छे के फक्त जे चार लोको मिसिंग छे एमनी? અમારી પાસે ફક્ત ચાર લોકોની તપાસ કરીએ છીએ એના સિવાય કોઈ બીજા અમારી પાસે કેસ નથી વિગત નથી। સર આ માટે તમે ભારત સરકારના વિદેશ મંત્રાલય અથવા તો પછી અમેરિકાની અંદર ક્યાંય સંપર્ક કર્યો અથવા એજન્સીઓ સાથે કોઈ કોન્ટેક્ટ છે ખરો? અમે યુએસ એમ્બેસીના અધિકારીથી વાત કરી છે અને ત્યાં મેસેજ પૂછાડ્યા છે કે જરૂરી માહિતી આપો આ લોકો માહિતી આપશે પછી અમે આગળની કાર્યવાહી કરીશું। धन्यवाद सर। तू जी बात करी अनिल प्रथम सर डीजीपी छे सीआईडी क्राइमना तेमणे कह्यु के ह्यूमन ट्राफिकना मामलानी तपास थई रही छे आ लोको जो गया छे तो तेमणे कोई लोभ लालच आपवामां आवी छे केम अने आ अंगे तेओ हाल यूएस एम्बेसीना संपर्कमां छे अने त्यां वातचीत चाली छे अने त्यांथी विगत आव्या बाद साची स्थिति खबर पड़शे। કેમેરામેન સુડિયા સાથે બ્રિજેશ દોશી ઝી મીડિયા ગાંધીનગર। યુએસ એમ્બેસી સાથે અત્યારે વાતચીત ચાલી રહી છે અને વિગતો મેળવવામાં આવી રહી છે મૃતકોને લઈને। મહત્વનું છે કે કેનેડાથી એક પરિવાર અમેરિકા બોર્ડરમાં જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો અને 11 કિલોમીટર ચાલ્યા પછી તેનું મૃત્યુ થયાના અહેવાલો છે। પ્રાથમિક માહિતી જે પોલીસ પાસેથી મળી છે તે મુજબ અને ત્યાંથી એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી।